तो टीवीएस जुपिटर का यहाँ पे BS6 इंजन के साथ गाड़ी आ चुका है। अगर आप लेना चाहते हो तो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे BS6 का दो वेरिएंट मार्केट में लॉन्च हुआ है, एक है सिर्फ BS6 और एक है ZX BS6। तो यहाँ पे मैं आपको जो डिटेल्स दिखाने जा रहा हूँ वो है सिर्फ BS6 का। और अगर आप ZX BS6 का वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो TVS Jupiter BS6 का जो एक शोरूम प्राइस है दिल्ली में 61,449 रुपया, इसका ऑन रोड प्राइस है 72,109 रुपया। अगर आप इसको 36 मंथ यानी 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हो तो आपका लोन अमाउंट होगा 55,304 रुपया, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 21,525 रुपया और आपको मंथली EMI देना होगा 1,770 रुपया। टोटल मिलेगा 3 साल फाइनेंस कंप्लीट होने तक आपका टोटल खर्चा यानी टोटल कॉस्ट जो गाड़ी का खड़ा होता है वो है 85,245 रुपया। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जो कुछ बताया दिल्ली से 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो गाड़ी लेते वक्त शोरूम वालों से जरूर डिस्कस करें कि कौन सी फाइनेंस कंपनी वालों से फाइनेंस करने पर हमारे फाइनेंस रेट मतलब इंटरेस्ट रेट कम होगी, क्योंकि बहुत सारे नए नए फाइनेंस कंपनी वाले आ रहे हैं जो 0%, 5%, 10% ऐसे ऐसे दे देता है। तो अगर आपका तकदीर अच्छा हो तो आपको 0% में भी मिल सकता है। दोस्तों मैंने जो आपको यहाँ पे बताया वो 3 साल का था। अगर आप इस गाड़ी को 24 मंथ यानी 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो आपकी गाड़ी की टोटल कॉस्ट आ जाएगा 83,030 रुपया, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 22,286 रुपया और आपको मंथली EMI पे करना पड़ेगा 2,531 रुपया, जो काफ़ी कम है। ये 2 साल का था। अगर आप इसको 1 साल के लिए भी फाइनेंस कराते हो तो आपका गाड़ी की टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगी, वो है 82,441 रुपया, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 24,577 रुपया और आपको मंथली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, वो है 4,822 रुपया आपको यहाँ पे मंथली EMI पे करना पड़ेगा। सो फिलहाल वीडियो में इतने। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ख्याल है, कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, कुछ मैंने गलत बताया उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, जाकर कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।